40,012% यूपी गवर्नमेंट का सिक्योरिटीज है, तो वो 40,000 इन्वेस्टमेंट हुआ, और 1,100 रुपया वाला मधु लिमिटेड का है, तो वो 1,00,000 रुपया हुआ, तो टोटल कितना हो गया इन्वेस्टमेंट, 20,000 प्लस 40,000 प्लस 1,00,000, यानी 1,60,000 रुपया टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ। तो वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए ये 1,00,000 रुपया कर्जा लिया है 12% की रेट से। तो ठीक है, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, 1,60,000, टोटल ब्याज कितना हो गया, 1,00,000 का 12% 12,000 रुपया, तो ये 12,000 रुपया ब्याज हो गया, और 1,60,000 रुपया आप इन्वेस्टमेंट किए हैं, लेकिन आपका उसमें से आमदनी कितना आया है, मात्र 40,000 रुपया पर ही आमदनी आया है, जो बी पॉइंट है उसी पर आपको आमदनी मिला है, टोटल पर आमदनी आपको नहीं मिला है। तो जब आप 1,60,000 रुपया इन्वेस्टमेंट किए हैं, तो 12,000 रुपया ब्याज देना पड़ा, तो उसमें से 40,000 रुपया जो आपको इनकम आया उसमें कितना ब्याज अनुपाती घटेगा, क्योंकि जो डिविडेंट है उसका तो ब्याज नहीं घटेगा, क्योंकि तो वो तो जब आमदनी में नहीं लिए तो खर्चा में कैसे घटेगा, तो दोनों डिविडेंट का मूलधन का ब्याज नहीं घटेगा, तो सिर्फ मूलधन किसका घटेगा, 40,000 रुपया मूलधन पर जो ब्याज आएगा वही घटेगा। तो 1,60,000 रुपया इन्वेस्टमेंट किया, तो 1,00,000 का 12% 12,000 रुपया आपको ब्याज देना पड़ा। अगर 40,000 रुपया इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कितना ब्याज देना पड़ता है, तो आपको लगभग 3,000 रुपया ब्याज देना पड़ता है। ये कैलकुलेशन क्लियर है, इस टॉपिक में सबसे बड़ा यही कैलकुलेशन ही है। यस वो कुछ बोलना चाह रहे हैं कैलकुलेशन पर, बोलिए। यस नो सर, नहीं सर कोई। ठीक है, तो ये ब्याज हो गया। अब 1% कहता है कलेक्शन चार्ज है, तो 4,800 रुपया हम ब्याज कमाए हैं, तो 4,800 का 1% कितना होता है, 48 रुपीज, तो 48 रुपीज आपको कलेक्शन चार्ज लगा, तो टोटल कलेक्शन चार्ज हो गया 3,048 रुपया, तो 4,800 इंटरेस्ट और उसमें 3,048 रुपया कलेक्शन चार्ज, तो टोटल 1,752 रुपया हो गया इनकम। सेकेंड पॉइंट में आइए, ये फर्स्ट पॉइंट खत्म हो गया। सेकंड पॉइंट में कहता है कि डॉक्टर अतर सिंह एक फैक्ट्री बिल्डअप किए हैं, उसमें बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है, फर्नीचर है, सबको वो 2,000 रुपया महीना पर भाड़ा लगा दिए, तो 2,000 रुपया महीना पर भाड़ा लगा दिए तो 24,000 रुपया हो गया, तो 24,000 रुपया इनकम आ गया। उसमें 2,000 रुपया रिपेयर में खर्चा किया, तो वो 2,000 रिपेयर का माइनस है, 500 इंश्योरेंस में खर्चा किए, वो 500 रुपया इंश्योरेंस में माइनस है। उसके बाद कहते हैं कि वो डेप्रिसिएशन अलाउेबल है 5,000 रुपया, तो वो डेप्रिसिएशन भी माइनस है। वो 30,000 रुपया कर्जा लिए हैं इन एसेट्स के लिए, और उसमें से 3,000 रुपया ब्याज दिए हैं, लेकिन ये अमाउंट खर्चा कहाँ किए, अपनी बेटी की शादी में खर्चा किए हैं, तो ये इनका पर्सनल खर्चा है, तो पर्सनल खर्चा पर किया हुआ एक्सपेंसेस बाद नहीं होगा, माइनस नहीं होगा, तो आपका सिर्फ यही 2,500 और 5,000 ये माइनस होगा, तो 24,000 में 7,500 माइनस हो गया, तो 16,500 रुपया टैक्सेबल इनकम हुआ, तो टोटल इनकम हो गया 18,252 रुपया, ये 25 हो गया। आगे बोलिए, 25 क्लियर है सर? क्वेश्चन नंबर यस सर, 28 नंबर सर, लास्ट जो था सो। यस सर, तीस हजार रुपया जो गिफ्ट मिला अपना फ्रेंड से, ये वाला क्वेश्चन ना? यस सर। चलिए, इसमें कहता है कि इसका इन्फॉर्मेशन दिया हुआ, 30,000 रुपया गिफ्ट मिला अपना फ्रेंड से, ये टैक्सेबल है, 1,00,000 रुपया अपने भाई से मिला है, तो अपने भाई से जो मिलता है वो उसका रिलेटिव है, और रिलेटिव होने के चलते वो टैक्सेबल नहीं होगा। 2,40,000 रुपया का गिफ्ट मिला है उसकी शादी में, वो भी टैक्सेबल नहीं होगा, ये सब आपका थ्योरी में भी दिया होगा। 80,000 रुपया एक विदेशी मित्र दिया, तो ये मित्र हो गया, इसलिए मित्र हो गया तो ये टैक्सेबल होगा 80,000 रुपया। एक 28,000 रुपया फिर एक मित्र से मिला, तो वो फिर मित्र हो गया, तो मित्र वाला टैक्सेबल होगा। फिर एक गिफ्ट के रूप में नेकलेस 1,00,000 रुपया इसकी माँ दी है, तो ये माँ इनकी अपनी मतलब माँ है, रिलेटिव है, और रिलेटिव से मिला हुआ टैक्स गिफ्ट जो है वो टैक्सेबल नहीं होता है, तो माँ वाला, इसके भाई वाला, ये टैक्सेबल नहीं होता है।
तो बाकी आपका एक मित्र जो है पहला पॉइंट में 30,000 दिया वो, और एक मित्र इसका चौथा पॉइंट में 80,000 दिया एनआरआई फ्रेंड वो, और एक पांचवा पॉइंट में 28,000 रुपया इसका मित्र दिया वो, ये 1,38,000 रुपया टैक्सेबल होगा, बाकी कोई पैसा टैक्सेबल नहीं है चूंकि वो रिश्तेदार से मिला है। इसी का नोट में आप क्या लिखें, गिफ्ट फ्रॉम फ्रेंड के बाद फ्रॉम फ्रेंड, फ्रेंड से जो जो मिला है ना, पहला पॉइंट में मिला है आपको, उसके बाद चौथा पॉइंट में मिला है और पांचवा पॉइंट में मिला है, तो यही चीज हम लिख दिए हैं कि ये चौथा, पहला चौथा पांचवा पॉइंट है, इसलिए टैक्सेबल है। यस सर। और बोलिए सर, एक और में दिक्कत था, क्वेश्चन नंबर 17। कहता है डिविडेंड मिला है टाटा कंपनी से। नहीं सर, इसमें इसमें सर एक चीज में सिर्फ दिक्कत था, प्राइज मनी ऑन हॉर्स रेस दिया हुआ था और सर फिर उसका एक्सपेंसेस भी दिया हुआ था। आप प्राइज मनी ऑन हॉर्स रेस पर जीता है, दीज हॉर्स आर ओन्ड बाय हिम, वो उसका अपना हॉर्स है और एक्सपेंडिचर इनकर्ड हुआ है उसके मेंटेनेंस में 2,10,000 रुपए। हाँ, तो इसमें बताइए क्या प्रॉब्लम है, 2,00,000 आमदनी है और उसके मेंटेनेंस पर खर्चा है, तो हॉर्स रेस पर अगर आप खर्चा करते हैं तो वो तो माइनस होता है, तो 2,10,000 खर्चा हो गया, इसलिए 10,000 ये कैरी फॉरवर्ड हो गया, आगे किसी साल में अगर आमदनी होगा तो उसमें 10,000 रुपया माइनस करेंगे। सर आप बताए थे लॉटरी, पजल, क्रॉसवर्ड, हॉर्स रेस में अगर खर्चा होता है तो उसको नहीं करते हैं एडजस्ट, लेस नहीं करते हैं। ये इसका खुद का घोड़ा है, भाड़ा वाला घोड़ा नहीं है, ये खुद अपना एक घोड़ा रखा है, अपना खुद का घोड़ा, तो अपना जो घोड़ा, अगर आप जैसे क्या कहता है कि ये एक हॉर्स रेस होता है जो आप भाड़े पर लेके मतलब सट्टा लगाते हैं कि हाँ भाई हॉर्स रेस का मतलब देखिए दो तरह का, हॉर्स कोई और दौड़ रहा है, सट्टा कोई और लगा रहा है, तो सट्टा जो लगा रहा है वो आपका इनकम हुआ, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है, ये इसका हॉर्स रेस में ये जीता और ये इसका खुद का घोड़ा है, ये सट्टा नहीं लगाया है, ये खुद दौड़ा है, खुद जीता है, खुद दौड़ के खुद जीता है, तो और उस पर ये अपना खर्चा किया, और हम जो पहले आपको बोला था कि दौड़ता कोई और है, एक्स वाई जेड जो दौड़ता और इधर ये स्टेडियम में बैठा हुआ 3-4 आदमी, वो लोग सट्टा लगाता है, तो वो भी टैक्सेबल है, लेकिन वहां पर खर्चा नहीं कटता है, ये दोनों में अंतर है, एक होता दौड़ता कोई और है, सट्टा कोई और लगाता, तो वहां पर खर्चा नहीं घटता, ये खुद दौड़ रहा है, खुद कमा रहा है, ये सट्टा नहीं लगा रहा है, ये प्राइज मनी जीता है, ध्यान रखिए ये प्राइज मनी है, हॉर्स रेस का ये मतलब वो सट्टा वाला पैसा नहीं जीता, ये अपना प्राइज रखा हुआ था उसमें खुद घोड़ा को दौड़ाया उससे ये जीता है, प्राइज इसको मिला है, और वो जो हम बोले हैं वो बोला आपका वो सट्टा लगाने पर है, कि कोई बोला कि काला घोड़ा जीतेगा, कोई बोला पीला घोड़ा जीतेगा, कोई बोला सफेद घोड़ा जीतेगा, तो वैसे स्थिति में फिर वैसा होता है, वो सट्टा होता है और ये प्राइज है। सर एक और दिक्कत था, ये इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक इसका क्या है सर, एग्जेम्प्शन 3500 ऊपर मिलेगा तो टैक्सेबल होगा, 3500 तक मिलेगा, 3500 तक मिलेगा तो टैक्सेबल नहीं है, और उसमें भी ज्वाइंट अकाउंट का भी एक है कहानी, देखिएगा इस बार की किताब में दिया हुआ है कि अगर ज्वाइंट अकाउंट से पोस्ट ऑफिस खोला हुआ है तो उसमें अलग अमाउंट के बाद एग्जेम्प्शन, और अगर अगर सिंगल नाम से खाता खोला गया है तो सिंगल नाम से 3500 रुपया तक अगर आपको इंटरेस्ट मिला है तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा, और 3500 के नीचे अगर इंटरेस्ट मिला है तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। और एक सर आप लिखे हैं 19 में सबके नीचे विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस में जो 1,000 उसके नीचे लिखे हैं अमाउंट नॉट मोर देन 10,000 हेंस नो टीडीएस, ये कितना नंबर क्वेश्चन नंबर 19 में। हाँ, पॉइंट नंबर दूसरा सर, विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस 1,000 रुपया। हाँ ठीक है। हाँ नहीं, उसके नीचे सर जो लिखे उसका मतलब, हाँ वो ग्रॉस्टअप वाली बात है कि ग्रॉस्टअप नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पर विनिंग लिखा हुआ, अगर रिसिप्ट रहता और 10,000 के नीचे भी रिसिप्ट रहता तो भी ग्रॉस्टअप नहीं होता, 10,000 के ऊपर रहता है तभी ग्रॉस्टअप होता है, और अगर 10,000 के नीचे रहता और विनिंग भी रहता चाहे रिसिप्ट भी रहता तो सीधे वही पैसा लिखा देता, टैक्सेबल नहीं होता, ये बात है, और 10,000 के ऊपर रहेगा तो ग्रॉस्टअप होगा, 10,000 के नीचे रिसिप्ट रहे चाहे विनिंग रहे ग्रॉस्टअप नहीं होता है, और वैसे यहाँ 1,000 रुपया है इसलिए डायरेक्ट लिखा गया है।
और बोलिए। नहीं यस सर, ये म्यूचुअल फंड इसमें नहीं आता है क्या सर? है, म्यूचुअल फंड नहीं आता है सर इसमें कहाँ है म्यूचुअल फंड? क्वेश्चन सर? शॉर्ट न्यूमेरिकल में नंबर कितना है? सर, शॉर्ट का क्वेश्चन नंबर 2 है सर, एक क्वेश्चन नंबर 3। मिनट। और लॉन्ग वाला सब क्लियर हो गया? हाँ लॉन्ग वाला क्लियर है सर। हाँ सर। जो इनकम फ्रॉम यूनिट ऑफ ए म्यूचुअल फंड 5,000 रुपया दिया, वो हाँ यस सर। वो टैक्सेबल नहीं है, एग्जाम्प्ट है, अंडर सेक्शन 10 होगा। देखिएगा अंडर सेक्शन 10 लिख लीजिए पन्ना में, अंडर सेक्शन 10/35, अंडर सेक्शन 10/35 में आप किताब में खोजिएगा, वहां पर मिलेगा कि अगर आपको इंटरेस्ट मिला है यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड तो वो टैक्सेबल नहीं है। और सर उसी के ऊपर सर क्वेश्चन नंबर 2 में, हाँ 2 का जो डी वाला पॉइंट है जहाँ पे लिखा है 7% कैपिटल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड, वो भी टैक्सेबल नहीं होगा। 2 का D में 7% कैपिटल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड। कैपिटल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड में भी जो भी इनकम होता है वो एग्जेम्प्ट होता है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड पर जो इनकम मिलेगा वो भी एग्जेम्प्ट होगा। उसके अलावा सर ये इंश्योरेंस प्रीमियम सर इसमें नहीं आता है? कितना नंबर? नहीं वो सर हम ऐसे ही पूछ रहे हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम तो खर्चा है, आमदनी थोड़ी है। नहीं अगर सर उसका पैसा मिला तो? तो वो मिला तो वो बिजनेस प्रोफेशन हो गया। इंश्योरेंस प्रीमियम करना तो आपका बिजनेस हो गया, तो वो मान लीजिए कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को या कोई भी इंश्योरेंस कंपनी, उसको नहीं इंश्योरेंस का प्रीमियम मिलेगा, हमको आपको कहाँ से मिलेगा इंश्योरेंस का पैसा? तो हमको आपको मिल रहा है तो ये गलत है, हमको आपको कहाँ से मिलेगा? जब भी मिलेगा तो वो लाइफ इंश्योरेंस मिलेगा, तो वो उसका बिजनेस का इनकम हो गया। और सर पीएफ ये सैलरी में चला जाता है, प्रोविडेंट फंड? प्रोविडेंट फंड ये सैलरी का चैप्टर का मामला है, इस चैप्टर में अभी सैलरी का मामला नहीं आ पाएगा ना। भाई सर सिर्फ पूछ रहे थे वो कहाँ जाता है। यस सर मेरा हो गया। बाकी सर सब ठीक है, सब समझ में आ रहा है। अरे बाबू मेरे, समझ में तो सब आ जाता है, बचपन सब कहाँ गायब हो जाता है। एक तो हम अभी दौड़े धूपे कॉलेज से आए हैं, तुरंत अभी नहाए हैं, 2 गो रोटी खाए और बैठे तुम लोग पढ़ाने के लिए, और तभी तुम लोग का आता पता नहीं है। 4 गो बच्चा 5 गो बच्चा है, जिसमें 2 गो का तो मुंह में सेलो टेप सटा हुआ है, वो कौन है? रियलमी नार्जो 20 बेकार का बैठल रहता है, के भगवान जाने कौन है रियलमी नार्जो 20। क्या सर जानबूझ के बोलते हैं क्या? तो तुम बैठा रहता है झूठे ना, बेमतलब का कुछ पूछना पाछना है ये नहीं, कुछ बोलना है ये नहीं, तो जानबूझ के नहीं बोलेंगे तो कहल बोलेंगे, तुमको बैठा के क्या करेंगे? सर रितिका आपका क्या पूछते पोजीशन हैं, है? विकास से पूछते हैं जहां। रितिका सर क्लियर है क्वेश्चन, लोग डाउट पूछा तो हो गया क्लियर। मैं आपका कोई डाउट नहीं था, उन लोगों का डाउट से आपका डाउट क्लियर हुआ। सर वही सब, मेरा भी डाउट था सर, 24 नंबर में है सर, हो जाएगा। चलिए ठीक है। अलका सर हम 21 तक बनाए हैं, वहां तक हमको कोई डाउट नहीं है अभी। एयर कॉपी खरीद ली है? कब का खरीदे हुए? हमने इसमें लिख रहे हैं तो जी सर। हाँ अभी मैंने तैयारी शुरू करी है, क्योंकि हमको लगता है कि 27 के बाद यूनिवर्सिटी ऑनलाइन के बारे में कुछ सोचेगी, जैसा बोल रही है कि ऑनलाइन परीक्षा के बारे में। गूगल ड्राइव वाला सर पर होना गूगल भी ड्राइव नहीं चाहिए, हुआ? होना, हम ही लोग लापरवाह हो जाएंगे। गूगल ड्राइव पर आप लोग कभी एग्जाम दिए थे? हम लिए थे आप लोग का गूगल ड्राइव में एग्जाम? नो सर, सर, एक गूगल बार आप फॉर्म बोले या थे पर ड्राइव? लिए नहीं। गूगल ड्राइव पर? ड्राइव पे नहीं नहीं हुआ सर। सर, फॉर्म पे लिए हैं। अरे हाँ गूगल ड्राइव में ना फॉर्म आता है, गूगल ड्राइव में बहुत चीज आता है यस सर आजकल, लिए हैं, उस पे 2-3 बार लिए हैं। तो उसका अभ्यास है ना। यस यस सर। सर हमको लगता है उसी सिस्टम से लेगा ना, क्या वही सिस्टम से मुझे लगता है लेगा। एक टाइम दे देगा कि इतना बजे लिंक खुलेगा, और फिर एकाएक बंद कर देगा कि इतना बजे ये लिंक बंद हो जाएगा, और ओपन बुक करके तो बोलेगा कि ओपन बुक एग्जाम, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में आज दिया है कि ओपन बुक एग्जाम होगा, मतलब उसी तरह से कुछ लिंक देगा, आप किताब खोल के भी लिख। सर उसमें फिर
जैसे मैथ का जो क्वेश्चन होगा वो तो नहीं बनेगा, उसमें तो टाइप करना होता है। वो सब्जेक्टिव ही देगा, लिखने वाला देगा या मैथ देगा, तो बोलेगा कागज में लिख के उसका फोटो उठा के और उसमें पेस्ट कर दीजिए। वो तो होता है ना, फाइल टैग करता है ना भाई। यस सर, देता है। तो वो फाइल अपलोड कर देगा, इमेज में लेके उसको अपलोड कर देगा, उसका एक एमबी बना देगा, कितना एमबी तक का फाइल को अपलोड किया जा सकता है। टेक्निकली अपडेट रहना पड़ेगा, क्योंकि हमको लग रहा है कोई ना कोई तरीका विश्वविद्यालय अपनाएगा एग्जाम का 27 के बाद, जैसा अभी तक स्टेटमेंट है वीसी साहब का। आगे पता नहीं नियम क्या बदल जाएगा कि क्या करेगा। तो इसको क्या माने, चैप्टर को अदर सोर्सेज को खत्म मान लें? यस यस सर। सैलरी तो नहीं होगा हमको लगता है, सैलरी कैसे होगा सर? वो तो आप बोले ऑनलाइन करके ही देख लीजिए, ऑनलाइन ही देख लीजिए, अब प्रूफ भी जरूरी है सर। क्या करें, सैलरी को भी ऑनलाइन है चालू कर दें? हाँ सर, ऑफलाइन होना नहीं है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। कि इधर अकाउंट तरफ कुछ चले सर, अकाउंट से स्टार्ट कीजिए क्योंकि उसका ज्यादा चैप्टर नहीं हुआ है। हाँ, ये तो लगभग खत्म में हो गया, अकाउंट से शुरू करते हैं अगला क्लास से। वो वाला क्या बोल रहे हैं कि शेयर और डिवेंचर दो ही चैप्टर हुआ था? यस सर। रिडेम्पशन और प्रेफरेंस शेयर का कुछ बताए थे? यस सर। रिडेम्पशन सर शुरू किए थे, बताए थे, स्टार्ट किए थे, नंबर तक हुआ था तीन गो। यस सर। पर सर किसी का भी क्लियर नहीं हुआ था तो शुरू से ही बता दीजिएगा। एक बार शुरू से ही बता दीजिएगा। अच्छा, तो वही शुरू करते हैं, रिडेम्पशन और प्रेफरेंस शेयर शुरू करते हैं। ओके सर। एक चीज और बोलिए, पब्लिक लिमिटेड कंपनी मतलब क्या हुआ, कमर्शियल या गवर्नमेंट? कमर्शियल। उसमें देखना पड़ेगा कि उसके नाम के पहले किसी राज्य का नाम या देश का नाम अगर लिखा हुआ है तब तो वो गवर्नमेंट हो जाएगा। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में पहला वर्ड देखना पड़ेगा। नहीं सर, सिर्फ लिखा हुआ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, सिर्फ पब्लिक। हां तो सर, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है कि वो सरकारी ही होगा। हाँ लिख सर, जैसे 24 का थर्ड में ही लिखा हुआ, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन टैक्स फ्री पब्लिक लिमिटेड कंपनी सिक्योरिटीज। सरकारी ही होगा 24 का तीन। लेकिन सर आप इसको ग्रॉस अप किए, माने ये कमर्शियल है। 24 का तीसरा इंटरेस्ट ऑन टैक्स फ्री पब्लिक लिमिटेड। हाँ, यहाँ तो कोई राज्य का नाम नहीं दिख रहा है। वैसे राज्य का नाम रहता तो मान लीजिए यहाँ पर यही होगा कि राज्य का नाम रहता तो उसको गवर्नमेंट माना जाता। पर सर ये लिस्टेड और अनलिस्टेड मतलब? वो पहले चलता था, वो जो स्टॉक एक्सचेंज में पंजीकृत रहता है और कोई स्टॉक एक्सचेंज में पंजीकृत नहीं रहता है, तो जो पंजीकृत रहता है उसको लिस्टेड डिबेंचर बोलते हैं, और जो पंजीकृत नहीं रहता है उसको लिस्टेड बोलते हैं, जो स्टॉक एक्सचेंज में पंजीकृत नहीं रहता है, रजिस्टर्ड नहीं रहता है, उसको अनलिस्टेड बोलते हैं। तो पहले ग्रॉस अप करने का अलग नियम होता था कि जो लिस्टेड होता था उसको 10% का हिसाब से मैंने 90 से डिवाइड किया जाता था, और जो अनलिस्टेड होता था उसको 80 से डिवाइड किया जाता था। तो ये खैर अब समझना नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं था। तो पहले होता था ये, जो स्टॉक एक्सचेंज में नाम चढ़ा हुआ वो लिस्टेड हो गया, जो स्टॉक एक्सचेंज में नाम नहीं चढ़ा हुआ वो अनलिस्टेड हो गया। ठीक है।